हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं, तो भाई इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर की कंप्लेन थी कि हमारे पैरेट के बाजू पर चोट लग गई, पंजा जो है वो पिंजरे में अटक गया या चादर में अटक गया या धागे में अटक गया, या हमारे पैरेट ने जंप करी थी तो उसके पाँव पे चोट लग गई या बाजू पे चोट लग गई, तो उसके लिए अदील भाई ट्रीटमेंट बताएं। तो वो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। उससे पहले यार 85% लोग चैनल को देख के ऐसे ही चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन आ रहा है, इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना गुस्से में लाल ही रहेगा। ये बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पैरेट के हादसाती तौर पे पैर पे या बाजू में, सही है, या चोंच पे कहीं चोट लग जाए जिसकी वजह से पैरेट आपका पाँव रख ना रहा हो, लंगड़ा रहा हो, सही है ना, या बाजू वो सही ना चला रहा हो, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है कि आप जो है घर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के करीब डॉक्टर नहीं होते, वेटनरी डॉक्टर नहीं बैठे होते, या कोई बर्ड एक्सपर्ट उनके पास नहीं होता, तो वो क्या करें, ठीक है ना। तो तीन हमारे पास जो है वो ट्यूब है, सही है। एक आती है विंटोजीन आती है, ठीक है, विंटोजीन, ठीक है, ये ले लीजिए आप। एक आती है मूव आती है, ये मूव, ठीक है, और ये एक आती है ये जोड़ पट्टे खिंच जाए या चोट लग जाए ना दर्द के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसका तरीक़ेकार कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। अक्सर लोग ये होता है कि बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि पैरेट भी उसका मुंह मारता है। आपने लगानी इतनी है, मैं फिलहाल आपको इधर लगा के दिखाऊंगा, पैर पे लगा के नहीं दिखाऊंगा। आपने इतनी ले लेनी है ट्यूब, ये आपने थोड़ी सी ले ली। अगर आप उसके पाँव पे लगा रहे हैं, आपने इस तरह से लगानी है और जस्प कर देनी है बस, ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि आप लोशन लगाते हैं या अपने होंठों पे आप लगाते हैं पेट्रोलियम जेली या वो दूसरी जो आती है चिपस्टिक लगाते हैं, ऐसी आपने इतनी लगानी है। और हवा में नहीं रखना है उसको, कम से कम आधे घंटे, आधे घंटे आपने उसको हवा से बचा के रख देना है। तो इन तीनों में से जो भी आपको ट्यूब मिल जाए आपने वो लगा देनी है, ना कि आप हल्दी लेके बहुत सारी हल्दी बांध दें या तेल लेके बांध दें, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। आपने ये ट्यूब थोड़ी सी लगानी है, दिन में आप इसको दो टाइम लगाएंगे, एक सुबह के टाइम लगाएंगे आप, एक शाम के टाइम लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पैरेट को दर्द ज़्यादा है, कोई सा भी दर्द का सिरप, जैसे कराची पाकिस्तान में तो ब्रोफिन हो गया, पैनेडॉल हो गया, सही है, ये आपने उसको 5-5 कतरे पिला देना है। अगर तोता आपका बड़ा है, मकाव है, काकाटू है, तो हाफ सीसी देना है, 0.5 सीसी। ड्रॉप में बताएं तो 5-20 कतरे देने और वैसे हाफ सीसी। अगर छोटे तोते हैं आपके, रिंग नेक हैं, पहाड़ी है, तो इसको आपने 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम देना है। उससे क्या है, दर्द खत्म होगा। एक हफ्ता आपने ये करना है, पैर के लिए आपने 15 दिन करना है। अगर जब आपके तोते के चोट लगी है तो आपने कोशिश एक और करनी है कि उसको केज से आप बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ जिस टाइम आपने दवाई लगानी है उस टाइम आपने निकाला, उसके बाद आपने तोते को अंदर रख देना है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी छोटी सी। अगर आपके पैरेट के बाजू पे लग जाए तो बाजू पे भी आपने क्या करना है कि परों को हटाना है और हल्का सा उसको लगा के जस्ट कर देना है, ना कि आपने जो है उसको इतना सारा लेके लसेड़ देना है। वो मुंह मारेगा तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए सही नहीं होती, मतलब अगर मुंह में ज़्यादा जाएगी तो वो खाना पीना छोड़ देगा, उसकी तबीयत मतली मतली हो जाएगी, वो उल्टियाँ लग सकती हैं उसको। बहुत कम लगाना है आपने, कम मकदार में लगाना है। इंशाल्लाह आपके पैरेट को हफ्ते दो हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो पाँव की हड्डी की चोट होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते भी ले जाती है। तो आपने यही करना है, ड्रॉप भी पिलाने हैं इनको, 2-3 हफ्ते तक पिलाने हैं आपने, उससे दर्द में कमी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें और हमारे प्यारे प्यारे बर्ड्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।